हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 15 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट है, विश्व बैंक ने हाल ही में दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा है कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत के बीच रह जाएगी। इसका आंसर होगा 1.5 to 2.8%। सेकंड है, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है। यह 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला 21 दिन का लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक के लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की है। अगला है, भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस किस दिन मनाया था। ये 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉरपीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉरपीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने किस तारीख तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द करने की घोषणा की है। 3 मई तक के सभी यात्री ट्रेनें रद्द करने की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस आर्थिक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में किस देश की आर्थिक विकास दर की वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद से सबसे खराब रहने की संभावना है। इसका आंसर आएगा भारत। क्या आएगा? भारत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी क्वेरीज के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे चैनल शाकुंतलम क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।